ठंडियों में मकई की रोटी खाना तो सबको पसंद आता है, तो इसलिए मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मसालेदार और चटपटी मकई की रोटी। इसके साथ आपको सब्जी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे आप चटनी या फिर दही के साथ भी खा सकते हैं। वेलकम टू माय चैनल कचिन कमाल। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मकई की रोटी बनाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ग्रीन वाली लहसुन की, और मैंने इसे अपने छोटे से क्यूट गमले में इसे लगा के रखा है। आज मैं अपने गमले से कटिंग करके उसमें मकई की रोटी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे गमले से लहसुन को काट लिया है और मैं इसे अब कटिंग कर लेती हूँ। वैसे तो ठंडियों के मौसम में मार्केट में ग्रीन लहसुन बहुत मिलती है, लेकिन अगर हम अपने गमले से कटिंग करते हैं कोई भी सब्जी की तो उसकी खुशी ही एक अलग मिलती है। तो मैंने यहाँ पे लहसुन की कटिंग कर ली है। अब चलिए चलते हैं मसालेदार डो लगाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ा बोल मकई का आटा लिया है, ये वजन में लगभग 200 ग्राम होगा। इतने आटे में 4 से 5 रोटियाँ आराम से बन जाएगी। इसे चटपटा और मसालेदार बनाने के लिए इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक टमाटर, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, एक कटोरी बारीक कटी हुई धनिया पत्ते, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च। इस रोटी में मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है क्योंकि इसके साथ हम सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो इसमें मिर्च कम कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, इससे भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और लास्ट में जो मैंने लहसुन काट के रखी थी इसे डाल देंगे, और साथ में डाल देंगे इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से मकई की रोटी बहुत ही क्रिस्पी बनती है, और जैसा कि आप जानते हैं मकई की रोटी और देसी घी का तो रिश्ता बहुत ही पुराना है। मेरे शहर में लहसुन कम मिलती है तो मैं थोड़ी थोड़ी यूज़ करती हूँ, लेकिन आप जितना ज़्यादा लहसुन और धनिया डालेंगे इसकी टेस्ट उतनी ही अच्छी आती है। और बस हम इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि आटे में घी और मसाला सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। लेकिन आपको जब रोटियां बनानी हो उसी समय इसका डो बनाएं, वरना प्याज टमाटर और नमक अपना पानी छोड़ेगा और ये गीला हो जाएगा। डो बन के रेडी है और ये ना ज़्यादा हार्ड है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बस हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें 1 कटोरी धनिया डाल देंगे। तो मैंने धनिया को अच्छे से धो लिया है और इसके मोटे वाले डंठल को हटा के अच्छे से काट लिया है, और इसमें 15 से 20 करी पत्ते डाल देंगे। अगर आपको करी पत्ते पसंद नहीं है तो आप इसे हटा भी सकती हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें 20 से 25 दाने मूंगफली के डाल देंगे। मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद ठंडा कर लिया था। साथ में इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नॉर्मल वाला नमक, 2 से 3 हरी मिर्च, और लास्ट में इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही, और फिर मिक्सी का ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। चटनी भी पीस गई है, अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। चटनी बनके तैयार है। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में 1 चम्मच देसी घी डाल के गरम कर लेंगे, और फिर 1/2 चम्मच राई डाल के चटका लेंगे और चटनी के ऊपर डाल देंगे। चटपटी चटनी बनके तैयार है, इसे हम एक साइड रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ये आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो हल्का सा अब हम इसे मसल लेते हैं। इसके अंदर प्याज और टमाटर डाला हुआ है तो इसे बहुत ज़्यादा मसलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब हम इसकी रोटियां बना लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा डो लेंगे और इसे हाथों से गोल कर लेंगे। इसका डो नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा बड़ा लेंगे। आज की जो मकई की रोटी है इसे मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। इसे अगर आप नॉर्मल चकले पे बेलेंगे तो ये टूट जाएगी, इसलिए आज मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको बेलना दिखाऊंगी। इसे बेलने के लिए हम एक पॉलिथीन लेंगे, कोई भी पॉलिथीन हो, जो भी सब्जी के साथ आती है उसे भी आप यूज कर सकते हैं, और उस पॉलिथीन में हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी लगाने से रोटी चिपकेगी नहीं और फटाफट से निकल आएगी। और डो को हम आधी पॉलिथीन के ऊपर रखेंगे और फिर आधी उसके ऊपर ढक देंगे, और फिर हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम रोटी का आकार का बना लेंगे। चाहे तो आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे बेलन से भी बेल सकते हैं।
लेकिन मकई का आटा बहुत सॉफ्ट होता है तो ये हाथों से भी बहुत अच्छे से रोटी बन जाएगी। और अब ये रोटी बेल के बिल्कुल तैयार है और इसकी पन्नी ऊपर से हटा देंगे और फिर हम रोटी को हाथ में लेंगे और पन्नी को हटा देंगे तो इसे कोई भी देख के नहीं बोल सकता कि इसे आपने पॉलिथीन पे बेला है। इसी तरह हम दूसरी भी बेल लेंगे। इसी तरह हम सारी रोटियों को बेल लेंगे और इसे सेक लेंगे। सेकने के लिए तवे को गर्म कर लेंगे और उसके ऊपर घी लगा लेंगे और फिर हम इसमें रोटी डाल देंगे। इस रोटी को सेकने के लिए गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसे हम तुरंत नहीं पलटेंगे, इसे 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये नीचे से थोड़ी हार्ड हो जाए। अगर आप तुरंत पलटेंगे तो ये टूट जाएगी क्योंकि मकई का आटा बहुत ही सॉफ्ट होता है। और फिर हम इसमें देसी घी लगा के आगे और पीछे दोनों तरफ से सेक लेंगे। मकई का आटा बहुत सॉफ्ट होता है तो इसे पलटाने के समय अगर हल्का टूट जाए तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। मकई की रोटी तो बहुत तरीके की बनती है लेकिन सिंधियों के घर में इस तरह की रोटी बहुत ही पसंद करते हैं और सिंधी लोग इसे ढोडा बोलते हैं। सर्दियों में खाने का मजा तो उस समय आता है जब गर्मा गर्म चाय हो और साथ में देसी घी से बना हुआ ढोडा हो। तो हम सिंधी तो इसे रात में खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप कब खाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये ढोडा खाने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और ये इतना टेस्टी लगता है कि इसे मैं बोल नहीं रही हूँ। आप इसे एक बार बनाइए, खाइए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब ये मकई की रोटी या फिर ढोडा बनके तैयार है तो चलिए अब दूसरे तरीके से बना लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा डो लेंगे और इसे तवे पे रख देंगे और फिर हम इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे रोटी का आकार दे देंगे। इसे प्रेस करते समय गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। अगर आपको हाथों में फैलाते समय गर्म लग रहा है तो हाथों को सिर्फ पानी से गीला कर लें, इससे हाथों में गर्म नहीं लगेगा। तो देखा ये भी कितनी आसानी से बिना पॉलिथीन बिना चकले के रोटी के आकार का हो गया। और इसे देख के कोई भी नहीं बोल सकता कि इसे आपने बिना चकले और बिना पॉलिथीन के बनाया है। तो बस हम इसे भी उसी तरह अलटते पलटते हुए हम इसे सेक लेंगे। और अब मैं दोनों तरीके की आपको रोटी दिखाती हूँ। ये वाली रोटी को मैंने पॉलिथीन पे बेल के बनाई थी और ये वाली को डायरेक्ट बनाई थी। और देखा आपने कितनी आसानी से रोटी बनके तैयार हो गई। और दोनों रोटी में बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सी बेली थी और कौन सी डायरेक्ट बनाई थी। इस सर्दियों के मौसम में आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।